आई होप आप सभी लोगों की जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्लास 11 से ही हमें जेईई मेंस एंड एडवांस की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम जेईई मेंस में और एडवांस में अच्छा रैंक और अच्छा स्कोर ला पाए। एक मैं आपको बात बहुत ही अच्छे से बता दूं कि जो बच्चे आप जानते हैं आईआईटी जेईई के लिए कोचिंग करते हैं, वो क्लास 11 से क्लास 12th में या फिर अगर अच्छी रैंक नहीं आती है तो ड्रॉप करके भी कोचिंग करते हैं, उन सभी बच्चों में वो बच्चे जो क्लास 11 से कोचिंग करते हैं उनका रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से क्लास 11th को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्लास 11 में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप जेईई मेंस में अच्छे से अच्छा क्लास 11 का जो सेक्शन है उसको यूटिलाइज कर पाए, उसमें अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी कैपेसिटी या सब कुछ, वो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। देखिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप मेंटली और फिजिकली वेल नहीं है तो आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो केवल अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा, आपका फोकस भी रहेगा, आप जबरदस्ती का इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। उसके अलावा या तो फिर आपके पास, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोचिंग में टीचर है, कोचिंग का मटेरियल है। अगर आप किसी गुड बुक से पढ़ रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छी किताब होना बहुत जरूरी है। आपकी जैसे एनसीईआरटी है वो एक अच्छी किताब है, लेकिन कई जगह पे वो कम पड़ जाती है, तो उस केस में आपको और दूसरी बुक भी फॉलो करनी पड़ सकती है, या फिर आप किसी अच्छी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सब आपको चाहिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ना होगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे नदी नहीं होती है हमेशा बहती रहती है, तो आपको हमेशा पढ़ाई करती रहनी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 आवर्स पढ़ना है, लेकिन हाँ डेली एक फिक्स टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आपको अपना होमवर्क रिवीजन सब कुछ करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको दिन में 5 से 6 घंटे होमवर्क और रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ कि जो बच्चे कोटा में कोचिंग करते हैं 11th में, उनकी फिजिक्स की अराउंड 140 क्लास होती है, केमिस्ट्री की अराउंड 120 क्लास होती है और मैथ्स की अराउंड 130 क्लास होती है। तो अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल 390 क्लास होती है, और हर क्लास अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 1.5 घंटे की होती है, जिसमें कुछ तो एक्सटेंड भी होती रहती है और एक्स्ट्रा क्लास भी लगती रहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 600 आवर्स की कोटा की जो कोचिंग होती है उनमें 11th की क्लास लगती है, मीन्स इतने टाइम टीचर पढ़ाता है और क्लास में होमवर्क डिस्कस होता है। तो 600 आवर्स तो आपके सिर्फ, आप ये मान के चलिए कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, देखो जो कोचिंग में जा रहे हैं उनका तो ये फिक्स है, लेकिन जो खुद से पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11th में, उन्हें कम से कम 600 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ना, एग्जांपल करना, थ्योरी पढ़ना, एग्जांपल करना, और उसके बाद में देखिए ये उसके बाद का काम है कि निकालो दिन में 5 से 6 घंटे, होमवर्क करो और रिवाइज करो। हाँ, कई बार आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, जैसे होमवर्क जल्दी हो गया तो कोई नहीं, जल्दी हो गया तो ठीक है कम पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ ये जो आपका 600 आवर्स है इससे आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना जो पूरा पढ़ने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स के साथ में। तो देखिए, मैथ्स में जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए शायद बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं तो यार अरिहंत और सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स हैं, मतलब अरिहंत की 5 बुक्स हैं और सॉरी सिंगेज की 5 है और अरिहंत की 6 बुक्स हैं, ये एक प्रॉपर वे में डिजाइन करी गई हैं जो आपको हेल्प करेंगी क्योंकि अच्छे से ऑर्डर में। उसके अलावा अरिहंत की अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो और भी बुक्स हैं, उसके अलावा और भी कई राइटर्स हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ए दास गुप्ता की है, केसी सिन्हा है, और भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पब्लिकेशंस की, तो जो आपको अच्छी लगे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा वो जेईई मेंस और एडवांस के लेवल की हो। अब क्लास 11th की शुरुआत होती कैसे है, हम जाते हैं 10th में बेसिक सी मैथ्स पढ़ के। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाता है वो होता है मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम और इनइक्वालिटी। ये कोई चैप्टर नहीं है मेरे दोस्त,
ये आपको सिर्फ बहुत बेसिक आपके अंदर मैथ्स के कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस पूरे जो हम पढ़ते हैं बेसिक, इसका यूज हम एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं वो स्कोरिंग है। देखिए, अब आप यहाँ पे तीन सेक्शन दिख रहे हैं, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये प्रॉपरली आपका फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। मींस स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पांच चैप्टर्स आते हैं इस सेक्शन के अंदर। और थोड़ा हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं उसको प्लस वन भी कर दूं, तो ये सारा फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। और थोड़ा सा लॉजिक होता है, ऑब्वियसली जेईई मेंस और एडवांस में लॉजिक थोड़ा तो होगा ही। ये सबसे स्कोरिंग है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये स्कोरिंग है। लेकिन बच्चों, अब दिक्कत क्या होती है, इसमें जो दो एंड में कोनिक वाला जो पार्ट होता है ना, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, बच्चे इसे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, और अब जेईई मेंस का पेपर उठा के देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इन तीनों से उतने ज्यादा, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, दैट्स वाई वो डिफिकल्ट फील होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, हर साल इसके दो क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, और उसके अलावा बाकी के क्वेश्चनों में जो यूज होता है वो तो अलग है ही सही। तो दो क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, याद करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हैं, सब याद करनी पड़ेगी, टाइम बचाने के लिए सब याद करना पड़ेगा। एलजेब्रा, अगर ये पूरा एक सेक्शन है जो आपकी को क्या करना पड़ता है, इसमें सोच सोच के करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे आपके, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, इन सब में आपको लॉजिक और फॉर्मूला दोनों यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉजिक यूज होगा, कई जगह पर आपका लॉजिक के साथ में फॉर्मूला भी यूज होगा। तो ये सब आप करने वाले हैं क्लास 11th में। हर चैप्टर के साथ में आपको एक टारगेट लेके चलना है कि आपको 200 से 250 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप 11th में 200 क्वेश्चन भी अगर आप कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 12th में आपकी रिवाइज करेंगे तो भी आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो एक बार में करेंगे ही सही, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 200 क्वेश्चन तो मिनिमम करने का ट्राई करना है, 250 तक अपना चला जाएगा। तो ये आपको 11th की मैथ्स के लिए करना है। और ध्यान रखना, 11th की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलजेब्रा से हर साल 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें 11th की जो एलजेब्रा है इससे 8 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं। तो प्लीज जो आपकी 11th की एलजेब्रा है उसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है। आप खुद ही सोच रहे हैं, 30 में से 8 क्वेश्चन 11th की एलजेब्रा से है और कहीं से नहीं है। अब अगर बात करें फिजिक्स की, सीरियसली स्पीकिंग फिजिक्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो तीन किताब जो सबसे बेस्ट है वो है H.C. वर्मा, D.C. पांडे, B.M. शर्मा। हाँ, कई लोग बोलेंगे रेस्निक एंड हेलिडे, तो मैं बोलूंगा हाँ, थ्योरी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं है। इन तीनों किताबों में जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सी बुक चूज करनी है। जो बच्चे कोचिंग में है, आई डोंट थिंक कि उन्हें किसी बुक की जरूरत है। सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होता है वो बेसिक से, सबसे पहले आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना होता है, एंड देन मैथमेटिकल टूल्स मींस बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। इससे क्या होता है, आने वाले चैप्टर में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो बेसिक हम सबसे पहले कवर करते हैं, देन मैकेनिक्स। तो अगर आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चालू होता है मोशन से, मोशन इन वन लाइन, देन टू डायमेंशन में चालू होता है, देन रिलेटिव, फिर ऐसे ही करते करते आपके NLM, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, RBD, ये सारे चैप्टर कोशिश कीजिए साथ में पढ़िए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर, हर एक चैप्टर एक कड़ी में जुड़ा हुआ है, तो इन सबको साथ में पढ़ना। और याद रखिए यार, ये जो चैप्टर है बहुत ही सोच समझ करने वाले चैप्टर है, ये पूरा लॉजिकल है। यहाँ पे बहुत ही कम सेक्शन है जहां पे आपको फॉर्मूला याद करना होगा। हाँ, इसमें कुछ चीजें याद करने वाली हैं, जैसे आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होते हैं, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, वो सब चीजें याद करने वाली हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज लॉजिकल इन मैकेनिक्स। तो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैकेनिक्स बेस्ट है, अगर आप लॉजिकली बेटर हो तो। अब मैकेनिक्स सेक्शन क्या होता है, दिमाग खपा देने वाला सेक्शन होता है एक्चुअली। तो इसको करने के बाद में क्या करना है, आसान सेक्शन उठाने हैं, जैसे थर्मल वाला है, फिर ये चैप्टर्स है सारे जिसमें कैलोरीमेट्री आता है, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरफेस टेंशन, KTG, ये 11th की जो आपकी फिजिक्स है सबके सबसे इजी चैप्टर्स हैं उसके, और इजी के साथ साथ स्कोरिंग भी है।
इनसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आप कर सकते हैं आराम से। और सबसे लास्ट में जो हम 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। देखो यार ये जो दो चैप्टर है ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में आते नहीं है, मतलब हम फील नहीं कर पाते हैं चीजें, क्योंकि यार वेव वेव हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं चीजों को, थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसमें आपको ना थोड़ा सा फील लाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और कोशिश करो कि यार जैसे क्या है SHM ना सबसे एंड में पढ़ो, जो सेकंड सेक्शन है उसका, क्योंकि SHM में हम जो पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा बड़ा वाले लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिंग और साउंड वेव में हम करते हैं। तो स्ट्रिंग के कंपैरिजन में साउंड फिर भी इजी है, लेकिन स्ट्रिंग थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये आपका क्लास 11th का फिजिक्स है। टारगेट हमेशा वही रखना है, मैकेनिक्स में हर चैप्टर के लिए 200 प्लस क्वेश्चन विद जेई मेंस एंड एडवांस। और 11th में बहुत टाइम होता है यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत टाइम होता है 11th में आपके पास में, है ना। और उसके अलावा क्योंकि अभी देखो 12th का लोड नहीं है तो रिवाइज करने की टेंशन नहीं है, इसलिए 11th को हमेशा स्ट्रांग रखना है, है ना। अब केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात करूं तो यार जनरली आप बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं सभी NCERT फॉलो करती है, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी हुई है आपकी केमिस्ट्री की बुक। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT से अच्छी कोई बुक नहीं है। तो आप जेई मेंस और एडवांस के लिए सिर्फ NCERT पढ़ें इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन के लिए। अब क्लास 11th में इनऑर्गेनिक का क्या होता है, पी एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन होता है। अब ऑर्गेनिक का ज्यादा कुछ है नहीं 11th में, नॉमनक्लेचर और ये सब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, आइसोमेरिज्म। तो वैसे तो आपको प्रैक्टिस बुक की कोई जरूरत नहीं है, इससे बेटर अगर आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल अगर आपके को मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं 11th की, तो अगर 11th की सोल है तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक तो 11th की जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है ये पूरी 12th में लगती रहेगी, ये ऐसी चीज है जो बार बार आपके काम में आती रहेगी, इसलिए 11th की जो फिजिकल केमिस्ट्री उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और NCERT उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपको कोई एक अच्छी बुक या फिर अगर आप कोचिंग में है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिजिकल में, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें दिखते हैं तभी हम फिजिकल में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं जो बच्चे अभी 11th में हैं, फिजिकल में स्कोर करना जेई मेंस में रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिव टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में हम अच्छा स्कोर तभी कर सकते हैं जब हम 11th में ज्यादा क्वेश्चन करें फिजिकल वाले सेक्शंस के, ताकि हम 12th में उनको स्ट्रांग पॉइंट लेके जाएं। और हाँ ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग चैप्टर्स होते हैं हमारी केमिस्ट्री के, तो इनको बार बार रिवाइज करते रहो ताकि यार मतलब फ्लो नहीं टूटे, है ना। तो बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। फिजिकल में कोशिश करो यार कि अराउंड 200 तक क्वेश्चन कर लो। देखो इसमें 200 प्लस क्वेश्चन करने की वैसे जरूरत होती नहीं है, मतलब अगर आप 150 से 200 कर रहे हो तो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है। तो केमिस्ट्री में आपको इतना ही करना है, NCERT इज मदर ऑफ ऑल बुक्स फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, थ्योरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए होगी तो शायद आप ओपी टंडन फॉलो कर सकती हैं, और भी कई बुक आती हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लास 11th में और करनी होंगी। तो देखिए क्लास 11th और 12th का जब आपका ब्रेक होता है तो उस गैप का आप कैसे यूज करते हैं, या आपकी रैंक डिसाइड वहीं पे हो जाती है। उस एक डेढ़ महीने को अगर आपने यूज किया तो आपकी रैंक 1,500-2,000 ऊपर पहुंच जाएगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा, और नहीं किया प्रॉपरली तो हो सकता है 500-700-900 नीचे भी आ जाए। हर टेस्ट के बाद में खुद को इंप्रूव करना है, कई बार क्या होगा हमारे हो सकता है बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे और कई बार हो सकता है नहीं भी आएंगे, तो इंप्रूवमेंट हर सेकेंड हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अननेसेसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोशिश करनी है अवॉइड करो। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, IIT JEE की प्रिपरेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, एंजॉयमेंट करना छोड़ दो। हाँ पढ़ो लिखो, अब क्या करो, जैसे आप पहले इंस्टाग्राम चलाते थे, व्हाट्सएप चलाते थे, ये सब चलाते थे, तो इनका टाइम पहले 4 घंटे था, अब उसको 1 घंटा कर दो। एंजॉयमेंट का एक टाइम फिक्स कर लो कि उस टाइम पे एंजॉय करो, अगर किसी दिन कहीं और जाना है तो किसी और टाइम पढ़ लो, अपने टाइम को एडजस्ट करो। 11th के साथ में प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपको अपनी ये जो घूमना फिरना है या थोड़ा बहुत खेलना है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो जैसे ही मैं टेस्ट दे के आता था ना संडेस को, मैं आते ही क्रिकेट खेलता था। तो इस तरीके की चीजें जो आपको पसंद है वो आपको एंजॉय
करनी चाहिए, वो आपको करना चाहिए, उससे आप क्या होता है खुश रहते हैं। और हाँ, ये जो आप नया चीजें सीख रहे हैं ना, इसको एंजॉय करो। अपने टीचर से रेगुलरली बात करो, उनसे पूछो कि सर मेरी यहाँ कमी है, मैं यहाँ अच्छा हूं, मैं क्या करूं, मुझे कैसे करना चाहिए। दे विल हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही है। और अगर किसी तरीके से वो आपकी हेल्प नहीं करे तो आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की किसी ना किसी तरीके से। घूम फिर के एक ही बात, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, और अगर नहीं हो पा रही है तो पूछना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। और नंबर कम आए तो टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा आ जाए तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि देखो फिर से घूम फिर के वही बात, लंबी जर्नी है। अभी 11th में है, अभी हम अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो लंबी जर्नी है। तो ना डरना है, ना घबराना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है, जंग लंबी है, बस चलते जाना है। प्रिपरेशन के लिए हर टाइम फोकस रहना है, चलते जाना है, प्रिपेयर करते रहना है। तो गाइस, आई थिंक 11th के ऊपर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस तरह और कुछ बताने के लिए है नहीं।